राम राम जी। हुंडई एक्सटर केवल इंजन की रिव्यू करेंगे कि इंजन की क्या स्पेसिफिकेशन है, इंजन कितना पावरफुल है, क्या ऐसी गाड़ियों को हमें प्रीफर करना चाहिए, माइलेज इस गाड़ी का कितना है, फ्यूल टैंक कितना है, कितना चलने में कैसा है जी, और सस्पेंशन की क्या हिसाब किताब है, सारा चीज़ यही समझेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कितने सिलेंडर का है। तो ये भैया 4 सिलेंडर का इंजन है, 4 सिलेंडर, जो कि ज़्यादातर करके आजकल 3 सिलेंडर की गाड़ी आ रही है। तो ये 4 सिलेंडर है जिसके अंदर हैंटिंग ही नहीं है, और गाड़ी में बैठ के तो सच में पता ही नहीं पड़ रही कि इंजन की स्टार्ट भी है, इतना ज़्यादा साइलेंट है गाड़ी। तो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया क्योंकि बिल्कुल साइलेंट गई। और ये 83 BHP का पावर जनरेट करता है, मैक्स पावर, और 113 Nm इसका टॉर्क है, तो ये भी अच्छा है, बूस्ट उठने में भी बढ़िया है। और ये 2 फ्यूल के साथ में आता है, एक CNG एक पेट्रोल, 2 ट्रांसमिशन के साथ में आता है, एक मैनुअल ट्रांसमिशन एक ऑटोमेटिक, लेकिन ऑटोमेटिक मिलेगी आपको पेट्रोल में, और CNG जो मिलेगी वो आपको मैनुअल में मिलेगी। मैनुअल ही ट्रांसमिशन है लेकिन इसको AMT बोलते हैं, ऑटोमेटिक कर दिया गया इसलिए ऑटोमेटिक किसको समझते हैं, हालांकि है तो मैनुअल लेकिन उसको AMT यूनिट लगा के, एक TCM लगा के इसको ऑटोमेटिक कर दिया, तो इसको बोलते हैं AMT ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। 37 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, और इंजन इतना सक्सेस है, ये वाला इंजन जो ग्रैंड आइटेनियोस वाला इंजन है, और हालांकि हुंडई के अंदर यही वाला इंजन पहले से ही आ रहे हैं, अब बहुत सक्सेस इंजन है, i20 में भी यही इंजन है, ठीक है जी। अभी जितने हुंडई की गाड़ी है उसमें यही वाला इंजन को मॉडिफाई कर रहे हैं, जैसे i10 में एक होता था 1.1 लीटर, ये है 1.2 लीटर, तो ये भी 1.2 लीटर का ही इंजन है, तो सबसे रिलायबल इंजन है, अच्छा इंजन है ये इंजन, हमने एक्सटेंट में भी देखे हैं, अब मतलब हुंडई के इतना सक्सेस इंजन, तो इस इंजन पे जा सकते हैं। तो ये 1.2 लीटर इंजन है, लोकल का जो माइलेज है ऑन रोड लाइव टेस्ट, कंपनी का क्या बताया उसको नहीं कर रहे, जब लाइव टेस्ट किया इस गाड़ी को तो ये 10, 11, 11.5 तक नॉर्मल दे रही है ऑटोमेटिक में, यदि वही मैनुअल रहता तो आपको 13, 14 के आसपास दे रही थी लोकल में। और हाईवे की बात किया जाए तो ये अभी फिलहाल हाईवे पे 14, 14.5, 15 दे रही है, और वहीं यदि मैनुअल रहता गियर तो ये आपको 18, 20, 21, 22 तक भी दे रही थी। तो ये है मतलब माइलेज इसका, ये है सस्पेंशन चलाया मैंने, यार सस्पेंशन कितना ज़्यादा अच्छा अपग्रेड कर दिया है, बहुत ही स्मूथ, मतलब पता ही नहीं पड़ रही है, जैसे इंजन साइलेंट किया वैसे सस्पेंशन को भी साइलेंट कर दिया है, तो सब मिला जुला के इंजन काफ़ी अच्छा है, और ये सक्सेस इंजन है, इस इंजन पे आप लोग जा सकते हैं, अच्छा इंजन है। ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल है, TCM है, और ये ECM है, मतलब इंजन कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। ये ABS देखो, ABS मॉड्यूल को यहाँ इन्होंने करा हुआ है, रिजर्वायर बोतल जो रेडिएटर का बोतल है वो यहाँ है, ब्रेक फ्लूइड यहाँ है जी, ये अल्टरनेटर बेल्ट वेल्ट तो मुझे लग रहा सारे वही हैं जो पुराने मॉडल जैसे आते थे। गेज इंजन ऑयल का चेक करने का ये है जी, 3.5 लीटर के आसपास में इंजन ऑयल डलेगा इसका, एयर फिल्टर ये है, मैंने सब कुछ ठीक है, रेडिएटर का ये है, इसमें रेडिएटर का कूलेंट फिल करने का। तो सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है, इंजन सारा आपने देख लिया, सस्पेंशन अच्छा है। एक चीज़ और है इसमें जो बेटर मेरे को लगा, ब्रेकिंग बहुत ही शानदार लगी है, तो ब्रेकिंग के लिए इन्होंने डिस्क रूटर को थोड़ा सा अपग्रेड किया हुआ है, और गाड़ी बहरहाल सब मिला जुला के इंजन से रिलेटेड तो ठीक है, बस एक चीज़ है जो थोड़ा सा माइलेज को लेके, कि माइलेज 10, 11 लोकल का है, बस वही चीज़ें हैं, बाकी तो सब कुछ अच्छा है, फिर ठीक है। तो ओके, थैंक यू यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, किसी और इंजन रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए सभी भाइयों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम।